हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आज के वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करूँगी, क्योंकि लोग बार बार मतलब स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मेरा इतना मार्क्स आएगा दीदी तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक बड़ा गुड न्यूज़ के साथ मैं मिल रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हमारे जो काउंसलिंग झारखंड नर्सिंग काउंसलिंग होगा, उसमें आपका पहले 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड हुए थे, ठीक है, ऑफिशियली। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि उसमें और 3 गवर्नमेंट कॉलेज ऐड होंगे, लेकिन मैं प्योरली श्योर तो नहीं बता सकती, लेकिन मे बी काम चल रहा है, इस बारे में डिस्कस हो रहा है, तो मे बी ऐड हो सकता है। तो फिर कौन कौन कॉलेज है, और अगर ऐड हो गए तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लोग एलिजिबल है या जो लोग थोड़ा सा कम की वजह से, मार्क्स के वजह से नहीं हो पाया है, इसमें सीट इंक्रीज हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है स्टूडेंट के लिए। तो पूरा वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा कि कौन सा कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं। बट मैं पहले बता रही, श्योर नहीं हूँ, अभी काम चल रहा है इसमें, मे भी चांसेस है 60-40 का चांसेस है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कॉलेज पहले ऐड था और कौन से कॉलेज ऐड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिम्स रांची, जो कि मतलब रिम्स रांची जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे GNM और BSc नर्सिंग दोनों ही कोर्स किए जाते हैं और दोनों ही कोर्स का क्लासेस यहाँ पे होता है। और एमरॉक्स इसमें 50-50 का सीट होता है, मतलब GNM के लिए 50 सीट होते हैं एंड BSc नर्सिंग के लिए 50 सीट होते हैं, ठीक है। सेकेंड जमशेदपुर में है आपका MGM, ठीक है, MGM कॉलेज जो कि जमशेदपुर में है, इसमें भी GNM और BSc नर्सिंग दोनों ही कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें आपका 40 सीट के अराउंड है, ठीक है, 40 सीट अराउंड। थर्ड में आता है SNMMC धनबाद में, ये कॉलेज है, ठीक है, इसमें अराउंड 20-30 का सीट है और यहाँ पे शायद BSc नर्सिंग नहीं कराया जाता है, शायद GNM कोर्स कराया जाता है। तो ये रहे आपके 3 कॉलेज जो कि आपका पहले एडेड रहेगा। लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि कौन सा 3 कॉलेज को ऐड किया जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ताकि सीट इंक्रीज है एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके, जो एलिजिबल नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, 4-5 लाख का खर्चा, मतलब उससे भी ज़्यादा जा सकता है कि कम नहीं जा सकता है प्राइवेट कॉलेज में। तो इसी के फर्स्ट में आता है आपका सिख बिखरी मेडिकल कॉलेज, जो कि हजारीबाग में, ठीक है, ये कॉलेज आपका हजारीबाग में, ये एक मेडिकल कॉलेज है। तो इसमें पता चल रहा है कि इसमें भी आपका GNM और जो BSc नर्सिंग का कोर्स होगा गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरा में आपका आ जाएगा मेडी निराई मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मेडी निराई मेडिकल कॉलेज, ये दूसरा नंबर में आपका आ गया। और थर्ड आपका आ जाएगा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, ये तीनों कॉलेज इसका बात चल रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है, मैक्सिमम हॉस्टल प्रिपरेशन हो चुका है, बाकी सारा डिक्लेयर किया जाएगा। अगर इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज ये भी ऐड होंगे तो आपके जो काउंसलिंग लिस्ट में सिलेक्शन के लिए ऑप्शन देगा कि आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हो उसमें। तो गाइस, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ कि ये ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए ये मत बोलिएगा दीदी ये तो ऐड हुआ नहीं और आप बोल दिए हैं वीडियो में। मैं एक सस्पेक्टेड बोल रही हूँ कि हाँ ये सिलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा एंड आप लोग खुश हुए होंगे, लेकिन ये खुशी बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा जब तक ऐड नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।